नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिर्फ सच में। आपके साथ मैं हूँ प्रियंका। छत्तीसगढ़ के सिलगेर में गांव वाले लगातार पुलिस कैंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में खबर मिली थी कि नक्सली ही गांव वालों पर आंदोलन करने का प्रेशर बना रहे हैं। इस बात की जानकारी अभी हाल ही में सरेंडर करने वाले एक नक्सली ने पुलिस को दी थी। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए एक ऐसे नक्सली को गिरफ्तार किया है जो कि गांव वालों पर दबाव बनाकर उन्हें आंदोलन में शामिल करने के लिए लेकर जा रहा था। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के सिलगेर में हो रहे पुलिस कैंप का नक्सली पूरा फायदा उठा रहे हैं और गांव वालों की आड़ में जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस बीच मंगलवार को पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और मंगलवार को दंतेवाड़ा से एक ऐसे नक्सली को धर दबोचा है जो कि 100 से ज्यादा गांव वालों को सिलगेर लेकर जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने ये दावा किया है कि नेताओं ने भी नक्सलियों के दबाव में रैली में शामिल होने की बात मानी है। बता दें कि पकड़े गए नक्सली की पहचान सीएनएन सदस्य गंगा राम मंडावी के रूप में हुई है, जो कि ग्रामीणों पर प्रेशर बनाकर उन्हें सिलगेर आंदोलन के लिए लेकर जा रहा था। गिरफ्तार हुए नक्सली की जब कोरोना जांच कराई गई तो एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना जांच कराने पर ये नक्सली कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि ये नक्सली आंध्र प्रदेश से लौटा है। फिलहाल पकड़े गए नक्सली को इलाज के लिए गीदम के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि पकड़े गए नक्सली की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऐसे में नक्सली बाकी गांव वालों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी और खबरों के साथ। अब तक ले आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।